सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज दास आप महापुरुषों के चरणों में बाबा सज्जन सिंह जी की प्रेरणादायक जीवन दर्शन को शब्दों रूप में रख रहा है, आशा है प्रवान करेंगे। कभी कभी इस धरती पर ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा और गंगा से भी ज्यादा पवित्र होता है। फूल की सुगंधी तो उस ओर फैलती है जिस ओर हवा का बहाव होता है, परंतु परमात्मा की कृपा जिस पर हो जाती है वो महात्मा की सुगंधी चारों ओर फैल जाती है। ऐसी शख्सियत थे बाबा सज्जन सिंह जी। बाबा सज्जन सिंह जी ने इस धरती पर बहुत ही कम आयु व्यतीत की थी, परंतु इस लघु आयु में उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन की सफलता दीर्घ आयु में नहीं बल्कि जीवन जीने के ढंग से मापी जाती है। यदि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए तो लघु आयु में भी दीर्घ आयु से बेहतर जीवन जिया जा सकता है। बाबा सज्जन सिंह जी एक विशन थे, एक सिद्धांत थे। यदि यह कहा जाए कि बाबा सज्जन सिंह जी आज के विस्तृत निरंकारी मिशन की नींव के वो पत्थर थे जो भले ही दिखाई न दे परंतु जिन पर यह बहुमंजिली इमारत टिकी हुई है, तो यह गलत नहीं होगा। बाबा सज्जन सिंह जी का जन्म युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता रुद्रवंती जी के घर पर 18 अगस्त 1932 को हुआ था। आपके जन्म से पहले ही घर का वातावरण पूर्णतः गुरसखी व भक्ति भरा बन चुका था। तहनसा बाबा अवतार सिंह जी का सारा परिवार समय के शतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो चुका था। अक्सर कहा गया है कि गर्भवती स्त्री के विचार, कर्म व वचन का प्रभाव उसके गर्भ में पनप रहे शिशु पर पड़ता है और यह प्रभाव भी शिशु के संस्कार बनाने में अपना योगदान डालते हैं। कुछ ऐसा ही बाबा सज्जन सिंह के साथ हुआ। जन्म के कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन एक ज्योतिषी घर के आगे से गुजर रहे थे। उस समय आप घर के आंगन में एक पालने में सोए हुए थे। वह अकस्मात ही अंदर आ गए और पालने के पास रुककर देखने लगे। वह बड़े ध्यान से आपके पांव की ओर देखने लगे। जब घर की औरतों ने उनसे पूछा कि क्या देख रहे हो, तो उन्होंने कहा, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, इसके पांव में पद्म अर्थात कमल के निशान है। इस बालक का पिता दिलों में राज करेगा। उस ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या का कितना ज्ञान था यह तो नहीं पता, परंतु उसकी भविष्यवाणी समय ने सत्य होते हुए अवश्य देखा है। अक्सर माना जाता है कि माता के गर्भ से शिशु का ध्यान इस निराकार प्रभु के साथ जुड़ा होता है, परंतु जन्म के पश्चात जब वह आंख खोलता है और इस दृश्यमान माया के पसार को देखता है तो वह रो पड़ता है, क्योंकि अब उसे इसमें परमपिता परमात्मा से नाता टूटता हुआ नजर आता है। धीरे धीरे वह इस संसार में इतना खो जाता है कि वह अपने प्रभु को भी भूल जाता है। परंतु बाबा सज्जन सिंह जी के संदर्भ में यह बात बिल्कुल ठीक नहीं कही जा सकती। आपने तो आंख खोलते ही संतों महापुरुषों के दर्शन किए। कान में पहले आवाज पड़ी तो वह थी धनरंकार जी की। उस समय तक आपका पूरा परिवार पूर्णतया भक्ति के रंग में रंग चुका था। आपके पिता भाई साहब अवतार सिंह जी की भेंट 1929 में समय के सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज के साथ हो चुकी थी। बाबा जी का परिवार में आना जाना लगा रहता था। कुछ समय पश्चात बाबा बूटा सिंह जी उनकी धर्म पत्नी वंती जी और उनकी सासू माँ को अपने घर में ही रखकर सेवा करने का
सौभाग्य भी इस परिवार को प्राप्त हुआ। बाबा जी इस सुंदर कोमल शिशु को विशेष रूप से प्यार दुलार देते, जिससे बालक सज्जन की चेतन आत्मा आनंदित हो उठती। आप बचपन से ही बहुत ही सज्जन, होशियार और विवेक बुद्धि और प्रतिभा के मालिक थे। आपके बड़े भाई बाबा गुरुवचन सिंह जी और आपके मामा बूटा सिंह जी के सुपुत्र जोगिंदर सिंह जी निरंकार अंबाला वाले के साथ आपके बचपन के दिन बीते। अभी आपने अच्छी तरह बोलना भी नहीं सीखा था कि बाबा बूटा सिंह जी ने हाथ हिलाकर आपको समझाया यह निरंकार है, और बाद में आपसे पूछना कि निरंकार कौन सा है, पर आपने नन्हे से हाथ हिला देना तो वह बहुत खुश होते और अनेकों वरदान से आपका दामन भर देते। कई बार बाबा बूटा सिंह जी नन्हे बालक सज्जन और बाबा गुरुवचन सिंह जी को कहते, बेटा निरंकार को अपनी गल बकड़ी में ले लो, तो भागते हुए ये बच्चे बाबा जी के गले लग जाते और बाबा जी अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते कि ब्रह्म ज्ञान तो इन बच्चों ने समझा है, क्योंकि इन्हें निराकार के साकार स्वरूप के प्रेम का पता चल गया है। मई 1943 ईस्वी को हमारी जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जब बाबा बूटा सिंह जी ने इस नश्वर शरीर को त्यागा, उस समय आप वहीं थे जब बाबा बूटा सिंह जी ने संत निरंकारी मिशन की बागडोर सहनसा बाबा अवतार सिंह जी के मजबूत हाथ में पकड़ा दी। तो आपने भी सहनसा जी को गुरु समझकर पूजा तथा उनमें निरंकार में कोई अंतर नहीं माना। आप रावलपिंडी में पढ़ने लगे। छोटी उम्र में ही पढ़ाई में आपकी बहुत रुचि थी, फलतः आपने एक वर्ष में 2 कक्षाएं इकट्ठी पास की और अपने बड़े भाई बाबा गुरुवचन सिंह जी के सहपाठी बन गए। आपने खालसा स्कूल रावलपिंडी में 8वीं कक्षा पास की। इस समय तक भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई जोर पर पकड़ चुकी थी। देशवासियों की देशभक्ति को देखते हुए अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि अब भारत वर्ष पर अधिक समय तक राज करना सरल नहीं होगा, इसीलिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भी यहाँ पर रहा जा सकता है। अंग्रेजों ने जनता को जाति पाति मजहब के नाम पर बांट दिया। जन साधारण के मन में नफरत और द्वेष की दीवारें बढ़ाने लगे। परिणाम यह हुआ कि स्थान स्थान पर लूटमार दंगे फसाद होने लगे। जो लोग सदियों से गांवों और शहरों में परस्पर भाईचारे की भावना से रह रहे थे, वे एक दूसरे के लिए जो जान न्योछावर कर रहे थे, वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। इस समय आपके चाचा गोपाल सिंह जी प्रेम दिल्ली रह रहे थे। अपनी पढ़ाई को जारी रखने, उनसे स्पेयर पार्ट्स के व्यापार को ढंग से सीखने के ध्यान से सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने आपको दिल्ली भेज दिया। रावलपिंडी से दिल्ली पहुंचकर आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करने लगे। आप बचपन से ही हाजिर जवाबी थे, हर बात का उत्तर शीघ्र ही बुद्धिमत्ता से दे देते थे। स्कूल के अध्यापक भी आपकी समझदारी से खुश रहते थे। आप सभी के प्रिय थे। यदि बुजुर्गों के बीच बैठते तो बुजुर्गों जैसी बात ही करते, और यदि बच्चों के बीच बैठते तो बच्चों जैसी बातें करते। संगतों के प्यार सत्कार और सेवा में वह जीवन के हर क्षण बिताते। जगत माता जी के लाड प्यार में तो वह सदा हंसते मुस्कुराते नजर आते। आज के विस्तृत तंत्र निरंकारी मंडल की रूपरेखा तैयार करने का श्री सज्जन सिंह जी को ही जाता है। आप बहुत ही दूरदर्शी थे। एक बार बाबा बूटा सिंह जी ने बेरों की टोकरी ली और एक के पीछे एक बेर रखकर लंबी कतारें बना ली। जब जगत माता बुधवंती जी धर्मपत्नी सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने पूछा
बाबा जी आप क्या कर रहे हो? तो बाबा जी ने उत्तर दिया, बुद्धा मैं महापुरुषों की लाइनें लगा रहा हूँ। आने वाले समय में यह सत्य के प्रचार में इतना बढ़ जाएगा कि भक्तों को घंटों तक कतार में खड़े होने के पश्चात ही नमस्कार का सुअवसर प्राप्त होगा। वह समय आप अपनी आंखों से देखेंगे। यह शब्द पास खड़े बाबा सज्जन सिंह जी सुन रहे थे। आपने सतगुरु के वचनों को अडोल विश्वास करते हुए उस समय का नक्शा अपनी आंखों में भर लिया। आयु चाहे छोटी थी परंतु सज्जन जी की आंखों में एक विस्तृत मिशन का सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए और सही रूप देने के लिए आप समय समय पर अपने मन के भाव सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में रखते थे। बात सन 1948 के उन दिनों की है जब सहनशाह जी पहाड़गंज के दिल्ली में रहा करते थे। एक दिन सहनशाह जी के पास सभी बड़े बड़े तपस्वी संत महापुरुष बैठे वार्तालाप कर रहे थे। बातों बातों में सहनशाह जी ने ध्यान प्रकट किया, यह मिशन अब तो विश्व भर में फैलना है। गुरु सिखों को सांसारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भक्ति के आनंद को पाने का ढंग सिखाने के लिए कुछ नियमों व सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि पूरी मानव जाति इस विशाल सत्ता से जुड़कर विशालता को प्राप्त हो। इस विषय पर आप सभी सोच विचार करके कल 5 सिद्धांत व नियम लिख कर लाए। यह बात बालक सज्जन जी भी सुन रहे थे। दिमाग में भविष्य में सतगुरु की शरण में बैठे रहमत लेने वालों में हर जाति हर वर्ग हर मजहब हर देश और हर भाषा को बोलने वाले लोगों की तस्वीर घूमने लगी। अगले दिन बहुत सारे महात्मा अपने अपने ध्यान के अनुसार 5 सिद्धांत लिख कर लाए। सबने पढ़कर सुनाए परंतु सहनशाह जी को किसी की बात अच्छी नहीं लगी। किसी में कोई तब्दीली करने की आवश्यकता महसूस हुई। जब सभी बड़े बड़े महापुरुष अपनी बात कह चुके थे तो सज्जन ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, वह भी 5 सिद्धांत लिखकर लाए हैं, यदि आज्ञा हो तो वह पढ़कर सुनाए। सहनशाह जी के पास बैठे एक महानुभाव ने कहा, यहाँ इतने गुरुमत के विद्वान बैठे हैं, इतने लिखे सिद्धांतों में से बाबा जी संतुष्ट नहीं होंगे। आप तो कल के बच्चे हैं, आप पूरे विश्व पर लागू होने वाले सिद्धांत कहाँ लिख पाओगे? इस महात्मा की बात सुनकर सहनशाह जी ने फरमाया, महापुरुषों उम्र को नहीं देखे, सज्जन को अपनी बात कह देने दो। यदि आपको पसंद आई तो मान लेना, वरना रहने देना। जहां आपने सबको सुना इस संत को भी सुन लो। सहनशाह जी का आदेश पाते ही सज्जन सिंह जी ने 5 सिद्धांत पढ़ दिए। यह सिद्धांत अपने आप में इतने पूर्ण थे कि सभी संतुष्ट हो गए, वाह वाह करने लगे। सभी ने सज्जन सिंह जी की बातों की सहमति प्रकट की। सभी खुश थे। तभी सहनशाह जी ने फरमाया, आपने देखा सज्जन है तो बच्चा, पर जैसा बाबा जैसे सोच रखता है। आपसे यही 5 नियम संत निरंकारी मिशन के 5 प्रण होंगे। हर जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले इन 5 प्रणों को मानने का इकरार करना होगा। जो इन प्रणों को मानेगा वही विशालता को प्राप्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करेगा। इस तरह इन 5 प्रणों का निर्माण का श्रेय बाबा सज्जन सिंह जी को जाता है। उनके पश्चात तो आपने नाम के साथ बाबा शब्द जुड़ गया, बाबा सज्जन सिंह जी महाराज। यदि यह कहा जाए
आज के संत निरंकारी मंडल की रूपरेखा सज्जन सिंह जी ने तैयार की तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे उस समय संत निरंकारी मिशन के संतों की गिनती बहुत कम थी, परंतु सज्जन सिंह जी भविष्य के विशाल संगतों की अंतरात्मा को देख रहे थे। अपने मन की बात अपनी जुबान पर लाते हुए एक दिन सहनशाह जी से उन्होंने फरियाद की, सच्चे पातशाह, आप जिस कद्र मानव कल्याण के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि संत निरंकारी मिशन ने तो दुनिया के कोने कोने में फैलकर ही रहना है। ज्यो ज्यो मिशन का विस्तार बढ़ता जाएगा त्यों त्यों इसकी प्रबंध व्यवस्था भी विशाल होती रहेगी। स्थान स्थान पर सत्संग भवनों के लिए जमीनें खरीदनी, भवन निर्माण कार्य करने आदि के लिए सरकार से भी पत्र व्यवहार करना होगा। इसलिए क्यों न एक कमेटी बना ली जाए जो इस प्रबंध की देखरेख करे, और आप अपना बहुमूल्य समय मानव कल्याण के कार्यों में लगा सके। यह बात सुनते ही सहनशाह अति प्रसन्न हुए और फरमाने लगे, सज्जन आपने मेरे मन की बात कह डाली। कुछ समय पश्चात ही सहनशाह जी ने 7 मेंबरों की एक संस्था बनाई जिसका कार्य पूरी प्रबंध व्यवस्था को देखने का। इसका नाम संत निरंकारी मंडल रखा। कहते हैं एक दिन सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी ने उन 7 महापुरुषों के नाम घोषित किए जो सेवा, सत्कार, प्यार, समर्पण और त्याग की चरम सीमा को छू चुके थे। उनके आदेशानुसार भाई साहब लाभ सिंह जी संत निरंकारी मिशन के प्रधान, डॉक्टर देशराज जी उप प्रधान, श्री राम शरण जी सचिव, बाबू महादेव सिंह जी उप सचिव, श्री संतोष सिंह जी प्रकाशन इंचार्ज, भाई साहब जुगल किशोर जी खजांची और भाई साहब रामचंद्र जी पहाड़गंज वाले लंगर इंचार्ज बनाए गए। यही सदस्य संत निरंकारी मंडल के प्रबंध कार्यों की देखरेख करने लगे। इसी तरह 24 सितंबर 1948 में बाबा सज्जन सिंह जी का ध्यान पूरा हुआ और संत निरंकारी मंडल की स्थापना हो गई। इस बीच देश का बंटवारा हुआ, बहुत सारे महात्मा पाकिस्तान से भारत आ गए, कोई यूपी, कोई पंजाब, कोई देश के कई प्रांतों में महात्मा इधर उधर बिखर गए। प्रारंभिक अवस्था में सभी एक जगह उपस्थित होते थे, संगते सस्ती थी, सतगुरु की रहमतों का आनंद सभी महात्मा लेते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। कुछ महापुरुषों की टोली दिल्ली में बसी तो कुछ पंजाब में, कुछ यूपी में, कुछ महाराष्ट्र में। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए बाबा सज्जन सिंह जी ने बाबा अवतार सिंह जी के चरणों में ये ध्यान रखा कि बाबा जी अगर निरंकारी मिशन के साहित्य, निरंकारी मिशन की पत्रिका सभी महापुरुषों तक पहुंचे तो मिशन की गतिविधियों से सभी अवगत रहेंगे और सबके शुभ भाव एक दूसरे से साझा होते रहेंगे। इसी बीच आपने सबसे पहले एक छोटी सी पुस्तक चंदनवाड़ी के नाम से और उसके उपरांत एक पत्रिका सतगुरदी लोड़ जून 1948 में पंजाबी में छपवाकर संतों में बांटी। भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला वाले प्रेस के कार्य से वाकिफ थे, उन्हें इस बात का तजुर्बा भी था और इस कार्य में उन्होंने बाबा सज्जन सिंह जी की मदद की। देश के बंटवारे के साथ साथ सभी महात्मा देश के कोने कोने में बिखर गए। उनके हृदय में सतगुरु के दर्शनों की तड़प और अमृत वचन सुनने की अभिलाषा निरंतर बनी रहती। इस अभिलाषा को बाबा सज्जन सिंह जी के विशाल और प्रेममय हृदय
ने अनुभव किया। उन्होंने एक दिन सतगुरु के चरणों में विनती की, सच्चे पातशाह, छोटी जुबान से बड़ी बात कहने की साहस कर रहा हूँ, यदि बात ठीक न हो तो दास पहले से ही क्षमा प्रार्थी है। दास का निरंतर ध्यान उन महापुरुषों की ओर जा रहा है जो शरीर रूप में आपसे दूर हैं। क्यों ना एक वार्षिक संत समागम का आयोजन दिल्ली में किया जाए, जिसमें सभी संत महात्मा एकत्रित होके आपके दर्शन करें एवं आदेश उपदेश भी श्रवण कर परस्पर एक दूसरे से मिलने का सुअवसर सबको प्राप्त हो। आपके इस विचार से शहंशाह जी ने अन्य संतों को भी बताया और सभी संतों ने इस बात का स्वागत भी किया। कौन जानता था कि यह वार्षिक संत समागम आपके ही श्रद्धांजलि समारोह से प्रारंभ होगा। उन दिनों आप दसवीं की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे। जगत माता बुधवंती जी, आपकी बहन नंद जी और बहनोई कुलवंत जी, बहन चरणजीत जी सभी मंसूरी में थे, क्योंकि बहन नंद जी की शारीरिक अवस्था ठीक नहीं थी। उन्हें डॉक्टर की सलाह थी कि किसी पहाड़ी इलाके में जाकर वास करें, जलवायु बदलने से उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इन्हीं दिनों आपने परम पूज्य जगत माता जी, बहन नंद जी और चरणजीत जी को पत्र लिखा। आप हंसमुख स्वभाव के तो थे ही, आपने बहन नंद जी को, जो स्वादिष्ट केक बनाने में माहिर हैं, उनको संबोधित करते हुए लिखा, आप जानते हो कि परीक्षा के कठिन परिश्रम के कारण मुझे अच्छी और स्वादिष्ट खुराक की आवश्यकता है। आप मेरे लिए स्वादिष्ट केक बनाकर लाना, कहीं ऐसा न हो कि आपका केक भट्टी में ही रह जाए। और मेरे हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस पत्र को मसूरी पहुंचने में एक सप्ताह लग गया। आप दसवीं की परीक्षा दे रहे थे। एक रात आपका स्वास्थ्य एकदम से बिगड़ गया। आपको इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर देशराज जी, पूज्य गोपाल सिंह जी प्रेमी और सेठ बाबा गुरुवचन सिंह जी और अन्य महात्मा आपके पास थे। शाम का समय था। हुजूर शहंशाह जी अस्पताल में आपको आशीर्वाद देने पहुंचे। उस समय सज्जन सिंह जी की शारीरिक कष्ट बहुत गहरी हो चुकी थी। अपने सतगुरु के दर्शन करते ही आपकी नजरें झुक गई और आंखें नीर से भर गई। शहंशाह जी ने आपके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ब्रह्मज्ञानी भक्त शरीर के दुख की परवाह नहीं करते, भक्त तो सुख दुख में सम रहते हैं। यह वचन सुनकर आपने भीगी आंखें रखते हुए विनती की, सच्चे पातशाह, यह आंखें इसलिए नम नहीं हो रही कि मैं शारीरिक कष्ट या मौत से डर रहा हूं, बल्कि डर तो इस बात का है कि आपका पुत्र होने के नाते आपके लाड प्यार में पलते हुए आपके सम्मान में कई त्रुटियां रह गई हैं। आप दास को बख्श लेना, बख्श लेना। शहंशाह ने एक पूर्ण गुरसिख और एक आज्ञाकारी पुत्र होने के नाते आपको सीने से लगाया और बहुत प्यार दिया। शहंशाह जी वापस घर आ गए। उधर सज्जन सिंह जी की आत्मा इस विशाल परमात्मा में समाविष्ट हो गई। शरीर त्यागने से पहले आपने अपने पास खड़े सभी संत महापुरुषों से क्षमा मांगी। तुहीन रंकार का सिमरन करते हुए इस निराकार में समा गए। उस समय आपकी आयु मात्र 16 वर्ष की ही थी। उधर शहंशाह जी निराकार की इस क्रीड़ा को शांत मन से देख रहे थे और जब उनको सज्जन सिंह जी के शरीर त्यागने का समाचार दिया गया तो वह अडोल और शांत रहे। सभी को निराकार की रजा के आगे नतमस्तक होने को कहा। 29 अगस्त 1948 को सज्जन सिंह जी इस नश्वर शरीर को त्याग गए। सज्जन सिंह जी की शरीर त्यागने का समाचार जल्द ही सभी महापुरुषों तक
पहुंच गया। शीघ्र ही सभी महापुरुष शहंशाह जी के पहाड़गंज वाले निवास स्थान पर एकत्रित होने शुरू हो गए। सबकी आंखें नम, मन मौन भाव असीम थे। इस समय सतगुरु ही सबको धैर्य दे रहे थे और निराकार प्रभु के भाने में मीठा करने करके मानने का उपदेश दोहरा रहे थे। उन दिनों दिल्ली से एक ही बस मसूरी जाती थी और वही बस मसूरी से दिल्ली आती थी। एक महात्मा को मसूरी भेजा गया जगत माता को मसूरी से लेकर आने के लिए। जगत माता के दिल्ली पहुंचने में 3 दिन लग गए, जबकि बाबा सज्जन सिंह जी का दाह संस्कार दूसरे दिन ही किया जा चुका था। बाबा सज्जन सिंह जी के शरीर त्यागने के पश्चात 27वें दिन 26 सितंबर 1948 को उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। इस समागम में शहंशाह जी के साथ संगत को संबोधित करते हुए शहंशाह जी ने फरमाया, साथ संगत सज्जन शरीर रहते हुए भी इस निराकार में ही था और शरीर का भ्रम मिट जाने पर भी इसी निराकार में समा गया है। किरण किरण सूरज से मिलकर इसी में एकमेव हो गई है। बूंद सागर में मिलकर सागर बन चुकी है, इसलिए जो शरीर का भूलेखा था वह भी मिट गया। ऐसे संतों महापुरुषों का जीवन यात्रा संपन्न होने पर महापुरुष सुख नहीं मनाया करते, बल्कि इस निराकार प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं कि यह आत्मा अपना मानव जन्म सफल करके गई है। सज्जन सिंह का भी ध्यान था कि हर वर्ष एक बार सभी संत महापुरुष समागम रूप में एकत्रित हों, तो आज इस श्रद्धांजलि समारोह को संत निरंकारी मिशन का पहला वार्षिक संत समागम समझ लेना चाहिए। आज अक्टूबर नवंबर के महीने में जो वार्षिक संत समागम होता है, इसकी बुनियाद भी महात्मा के नाम के साथ जुड़ गई। आइए ऐसे संत को सत सत नमन, बाबा सज्जन सिंह को सत सत नमन, सत सत नमन, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।